तो स्वागत है आप सब गाइस का फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए एक नवी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जो इस वीडियो में जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों वो इस संबंधित है, वो है 5वीं बोर्ड 8वीं बोर्ड से संबंधित जो हम आवेदन कर रहे हैं दोस्तों। और उसके लिए जो मुख्य समस्या आ रही थी कि प्रारंभिक शिक्षा और 8वीं क्लास की जो बोर्ड आवेदन है उनको प्रिंट करने से संबंधित, तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कक्षा 8 और 5 के आवेदन की स्थिति जानने के लिए हम शाला दर्पण जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद हमारे सामने जो 5th और 8th बोर्ड एग्ज़ाम का ऑप्शन आता है उन्हें हमें खोलना है। और तो किस तरह से हमें उस आवेदकों को लॉक करना है और कैसे उनका प्रिंट लेना है उससे संबंधित नवीन अपडेट है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे उसके बाद आपको नवीन अपडेट मिलेगा, वो ये है कि 5वीं 8वीं बोर्ड आवेदन से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको नवीन अपडेट मिलेगी जिसमें प्रिंट कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 5 के लिए और कक्षा 8 के लिए सेक्शन है, क्लास है, उसको चूज़ करते हुए आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। उसके साथ ही जो नवीन ऑप्शन शुरू हो गए हैं अब वो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सामने जैसे ही आप इस तरह से खोलोगे आपके सामने अब नवीन ऑप्शन जो शुरू हुआ है वो नवीन अपडेट वो बता रहा हूँ मैं दोस्तों। इस तरह से अब ऑप्शन आ रहा है यानी आपने जो आवेदन कर दिया उसको व्यू ऑल कर सकते हैं, एक तो यानी आपने जो जो आवेदन कर उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा और सेक्शन वार जो समेकित विद्यार्थियों की आवेदन सूची है उनका मिलान करके प्रिंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा कक्षावार सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक करें का ऑप्शन भी शुरू हो चुका है, तो आप लॉक भी कर सकते हैं। तो ये नवीन अपडेट है जो शाला दर्पण से संबंधित शुरू हो चुका है, शाला दर्पण पर कक्षा 5 और कक्षा 8 बोर्ड से संबंधित। तो इस संबंध में मैंने इस वीडियो में जानकारी दी आपको कि आप जो है 5वीं या 8वीं के आवेदन आपने अगर कर दिए हैं तो आप कक्षा और सेक्शन और समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको कक्षा और सेक्शन और समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं, ये नवीन ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। तो ये थी नवीन जानकारी इस वीडियो में, आशा है आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन को, आगे सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आपको।